जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीए सेंटर में। बिहार दरोगा मेंस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो मित्र उसे नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट से देख ले, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सज्जन में कौन से संधि हैं? ऑप्शन है व्यंजन संधि, अयादि संधि, गुण संधि तथा कोई नहीं। तो सज्जन में जो है व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एत ए में कौन से संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, व्यंजन संधि, यन संधि तथा विसर्ग संधि। तो एत ए में जो है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कृपया यहाँ से जाएं यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, अनुरोधवाचक, अज्ञार्थक वाचक तथा निषेधात्मक वाक्य। तो यहाँ पे जो है कृपया यहाँ से जाएं यह अनुरोधवाचक वाक्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में चोरी मत करो यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, अनुरोधवाचक तथा अवधारणा बोधक। तो इसमें जो है परीक्षा में चोरी मत करो यह जो है निषेधात्मक वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकती है ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा उपवाक्य। तो बिजली चमकती है ये जो है सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से मनुष्य है जो महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा विषमयादि बोधक। तो ये जो है मिश्र वाक्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मानक भाषा सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन है प, ब, स और म। तो इसमें स जो है ऑप्शन नंबर 3 ओष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन है चपरासी, मोहन, चावल तथा हिमालय। तो इसमें जो है चपरासी सही उत्तर हो जाएगा। चपरासी जो है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शब्द है, ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन तथा सदैव वचन। तो दर्शन जो है एक बहुवचन है, सदैव बहुवचन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान, करण, अधिकरण तथा कर्ता। तो ये जो है अधिकरण कारक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द चुनना है। क्वेश्चन है अमृत, ऑप्शन है मधु, सस्य, अनंत तथा शहद। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है मधु, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग, अंग का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन है छद, पाहुन, अवयव तथा अमी। तो इसका हो जाएगा अवयव, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगुआ, ऑप्शन है अग्र, अग्रणी, बंधुआ तथा पुरस्तात। तो इसमें जो है अगुआ का पर्यायवाची शब्द अग्रणी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अंत, ऑप्शन है फल, फसला, अवसान तथा दारिम। तो इसमें जो है अंत का जो है अवसान, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनना है।
क्वेश्चन है अंधेरा, ऑप्शन है अज्ञान, निरक्षरता, उजाला तथा सवेरा। तो इसमें अंधेरा का विलोम जो है उजाला, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आगम, ऑप्शन ऑप्शन है दुर्गम, सुगम, दुर्जय तथा अजय। तो इसमें जो है आगम का जो है सुगम सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अभिसरण, ऑप्शन है अपसरण, व्यतिक्रम तथा अपनिर्धारण तथा अपवर्तन। तो अभिसरण का जो है ऑप्शन नंबर 1 अपसरण हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है अक्षत, ऑप्शन है अक्षय, विक्षत, संरक्षित तथा शाश्वत। तो अक्षत का जो है विक्षत, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थक शब्द चुने, क्वेश्चन है अयोग, ऑप्शन है अग्नि, अंश, मंडल तथा सारस। तो इसमें जो है इसका अनेकार्थक शब्द सारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अज, ऑप्शन है इंद्र, बकरा, पारा तथा पृथ्वी। तो इसका जो है बकरा, अज का जो है बकरा, ऑप्शन नंबर 2। आगे है अमृत, ऑप्शन है मुक्तक, हलाहल, सुधा तथा बपनीय। तो इसका जो है सुधा इसका हो जाएगा, अमृत का जो है सुधा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अधर, ऑप्शन है अंतरिक्ष, तांबा, घोड़ा तथा बादल। तो अधर का जो है अंतरिक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है अरुण, ऑप्शन है सिंदूर, विष्णु, खजूर तथा वानर। तो अरुण का जो है सिंदूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है विसर्ग चयन करें, क्वेश्चन है अचल, ऑप्शन दिया है अ, अन, अनु तथा अति। तो उपसर्ग जो है वह अवयव जो शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अचल का जो है उपसर्ग हो जाएगा अ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है अत्याधुनिक, तो इसमें जो है ऑप्शन है अ, अति, आप तथा अ, अ। तो इसमें जो है अत्याधुनिक में अति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अधिमान्यता, ऑप्शन है अ, अध, अधि तथा अन। तो इसमें जो है अधि, इसमें भी अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अभिमान, इसमें भी उपसर्ग ही चुनना है, ऑप्शन है अधि, आवि, अ तथा अभि। तो इसमें जो है अभिमान का अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अधिकोष, ऑप्शन है अति, अधि, अप तथा अव। तो अधिकोष का जो है अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे है प्रत्यय चुनना है, क्वेश्चन है लेखक, ऑप्शन है अन, अनीय, अक तथा अक्कर। तो प्रत्यय जो है वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें लेखक का प्रत्यय जो है अक्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका, लेखक का प्रत्यय अक्कर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है पाठक, ऑप्शन है अक्कर, अक, आका तथा आ। तो पाठक का प्रत्यय जो है अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे है गायक, ऑप्शन है आऊ, आक, अक तथा आका। तो इसमें जो है अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे है जातक, ऑप्शन है अक, आई, अनियर तथा क। तो जातक में जो है अक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है धावक, ऑप्शन है आई, अकर, अक तथा क। तो धावक में जो है अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी अक। अगला क्वेश्चन है काव्य में कितने रस माने जाते हैं, ऑप्शन है 6, 7, 8 तथा 9। तो काव्य में जो है
काव्य में जो है नौ रस माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, गणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 5, 7 और 8। तो गण जो है 8 है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 7, 7, 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और 5। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस काव्य परंपरा की कृति है? ऑप्शन है नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा छायावाद। तो कामायनी जो है छायावाद की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कौन विलोम नहीं है? ऑप्शन है ग्राह, त्याज्या, अग्रज, अनुज, गहन, तरल तथा इच्छा वच्छा। तो इसमें जो है इच्छा वच्छा विलोम नहीं है, जबकि ये तीनों एक दूसरे के विलोम है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन पत्नी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है कलत्र, दौहित्र, भार्या तथा जाया। तो इसमें जो है दौहित्र जो है पत्नी का पर्याय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के रूप हैं? ऑप्शन है अनुक्रमांक व सकर्मक, ऑप्शन 2 है अकर्मक व अभिकर्मक, ऑप्शन 3 है अनुक्रमक व अभिकर्मक तथा ऑप्शन नंबर 4 है सकर्मक व अकर्मक। तो क्रिया के जो है दो दो रूप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अज्ञेय की कहानी नहीं है? रोज तथा शरणार्थी। तो इसमें जो है गुंडा जो है अज्ञेय की कहानी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अवधी अवधी बोली किससे संबंधित है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा बिहारी। तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी तथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो है हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन है रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान तथा प्रेमाश्रम। तो इसमें जो है इसका उत्तर हो जाएगा गोदान, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।